चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हुआ था जो हादसा, कि कुलविंदर कौर नामक एक सीआईएसएफ के कॉन्स्टेबल ने कंगना को थप्पड़ जड़ दिया था, और उसके बाद देश में बड़ा कोहराम मचा। कुछ लोगों ने कहा कि सीआईएसएफ की जो कुलविंदर कौर है उसने बहुत अच्छा काम किया है, और कुछ लोगों ने कहा कि कंगना को, क्योंकि कंगना एक इलेक्टेड प्रत्याशी थी जो कि लोकसभा में चुनाव जीती थी, उसको इस तरह से थप्पड़ मारना गलत था। और मेरा ये मानना है कि जब देश के रक्षक ही अगर भक्षक बन जाते हैं तो फिर आपकी सिक्योरिटी और जानमाल की सुरक्षा करेगा कौन। मान लीजिए कि वहां पर उसके उस लेडी कांस्टेबल के हाथ में अगर रिवाल्वर होती तो हो सकता था कि वो अपने गुस्से में आकर रिवाल्वर से कंगना रनौत को गोली भी मार सकती थी। और मैं ये मानता हूं कि अगर वो ये जब जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन जो मूवमेंट अभी पिछले वर्षों में हुआ है वो कहीं ना कहीं खालिस्तान का भी, उसको खालिस्तानी टेररिस्ट का उसको सपोर्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, और उसमें इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी जो लोग करवाते हैं उनका भी हिस्सा था जो कि भारत को नीचा दिखाना चाहते थे। और मैं आज भी कहता हूँ कि एमएसपी पे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बिल लेकर आई थी वो वाकई बड़ा ही जबरदस्त बिल था और वो किसानों के हित में था। लेकिन चलो, होता है कुछ चीजें नहीं पसंद आती है लोगों को, और कुछ राष्ट्रद्रोही लोगों के संपर्क में आकर ये अभियान इतना बड़ा बना दिया गया और जिसकी वजह से मोदी सरकार को ये बिल वापस लेने पड़े। खैर, किसानों को नहीं चाहिए, उनकी उनके लिए कोई फैसिलिटीज अगर गवर्नमेंट कर रही थी तो उनको नहीं चाहिए तो ना चाहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जहां तक बात है कि उसमें खालिस्तानी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो लोग उसके पीछे थे जिन्होंने कुलविंदर कौर को भड़काया होगा या इस बाबत जो भड़काया होगा, तो मैं मानता हूं कि अगर वो कांस्टेबल के रूप में वर्दी पहनकर, सरकार की वर्दी पहनकर किसी भी आम आदमी पर अपनी भड़ास निकाल सकती है जिसने उसे कुछ भी कहा या जिससे वो उसके मन में असंतोष है, तो ये बड़ा ये विचित्र प्रश्न है और ये बड़ा दुखदाई है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर उसे मौका मिले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गोलियों से छलनी कर दे या उनको भी अपना इस तरह का जो एग्रेशन है वो दिखाए। अब बींग मतलब वर्दी पहनने के बावजूद, एक क्योंकि वो भारत सरकार की एक मुलाजिम है, भारत सरकार की एक फोर्स की एक कॉन्स्टेबल है, उसके बावजूद अगर आपने भारत सरकार से आप सैलरी ले रहे हैं और उसके बाद आप भारत सरकार के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो ये शायद बिल्कुल ही गलत है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी के रूप में आप सबके लिए सिक्योरिटी देने वाले लोग हों और आप ही अगर सिक्योरिटी के अगेंस्ट बन जाएंगे, आप ही अगर मारने पीटने लगेंगे तो फिर किससे सिक्योरिटी की डिमांड की जाएगी। तो ये बड़ा बेहद चिंतनीय विषय है जिसपे सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन जहां तक करण जौहर की बात करता हूँ कि अक्सर जो बॉलीवुड वाले लोग हैं वो राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ में ज्यादा रहते हैं और उनका समर्थन ज्यादा करते हैं। अक्सर उन्होंने ये कहते हुए सुना गया है, जैसे नसीरुद्दीन शाह ने कहा या आमिर खान ने कई बार कहा, कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों से भारत में बनी है कि भारत में रहने में डर लगता है और यहाँ जो है असंतोष है और सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो ये बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। अभी अभी हाल ही में जो कंगना रनौत के साथ में जो ये घटना हुई उसमें डडलानी, विशाल डडलानी जो कि आप जानते होंगे अपने आप को बहुत बड़ा म्यूजिशियन समझते हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जिस लेडी कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ जड़ा था उसको वो किसी भी तरह की नौकरी देने के लिए तैयार हैं और वो उसका समर्थन करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि नक्सलेट तरह की जो घटनाएं देश में होती हैं उनके साथ में अक्सर विशाल डडलानी साहब झंडा लेके आगे पहुंच जाते हैं, जो उनमें से एक है। तो ये खुशी की बात है कि कंगना जी के समर्थन में करण जौहर जैसे जो लोग हैं अगर वो आते हैं तो ये एक अच्छा संकेत है भारतीय जनमानस के लिए।